वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम हुदा सिंह, मैं हूं बशीर सुगैस। जैसा कि आपको पता है मोदी जी का 3 दिन का दौरा था जो मुकम्मल हो गया। हमने डेनमार्क का सारी सिचुएशन डील्स वगैरह निकल के हमें जर्मनी का पता चला था लेकिन फ्रांस का अभी तक नहीं आया था, तो उसकी भी अपडेट आ चुकी है। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है पुराने दोस्त मिले। UNSCNSG को भी मैसेज पहुंचा दिया, फ्रांस पीएम मोदी फ्रांस विजिट, मोदी मैक्रोन बिग मीटिंग। तो यार मतलब पुराने दोस्त मिले, बाकी यार मोदी जी और मैक्रोन काफी अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और UNSC को भी फ्रांस और इंडिया ने मिलकर कोई मैसेज पहुंचा दिया, कौन सा पहुंचाया वो तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। और बहुत बड़ी मीटिंग हुई है दोनों के बीच, क्या हुआ है सारा जानेंगे, कैसा इनका वेलकम हुआ है फ्रांस में इस वीडियो के अंदर। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड इंडी प्लस न्यूज का वीडियो इनका चैनल लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट, क्या वेलकम हुआ भाई। और तलवारें मतलब वो उससे रखी है ना, मतलब उनका अबे लोग कितने खड़े हुए थे, मोदी मोदी क्या गले मिले हैं भाई दोनों यार। प्रधानमंत्री के हैंडशेक किए थे इधर गले, सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की क्लिपें जब मीडिया के अंदर चलती हैं तो चीन और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है कि इस तरीके का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है। और दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे ने एक नया आयाम ही छू लिया है और तीनों देशों की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग डेवलपमेंट निकली हैं। भारत के प्रधानमंत्री आखिरी दौर में फ्रांस गए थे और फ्रांस के अंदर तो उनका वार्म वेलकम हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की, लेकिन सबसे पहले जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पर एक मिलिट्री ने उनका एक वेलकम किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को होटल प्लाजा एथनी लाया जाता है जहां पर इंडियन कम्युनिटी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को मिलने के लिए एलसी पैलेस के अंदर रवाना हो जाती हैं। एलसी पैलेस के अंदर जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी आकर रुकती है तो इमैनुअल मैक्रोन उनके सामने होते हैं और जब आपस में मिलते हैं दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को झप्पी डाली और वो एक तस्वीर जो थी वो देखने लायक थी। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री आते हैं एकदम कंधे पर हाथ रखकर वो गले मिलते हैं और उसके बाद फोटो भी होती है और उसके बाद वो एलसी पैलेस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री का कोई मन नहीं था फ्रांस जाने का, लेकिन ये मन बना है आखिरी मौके पर। फ्रांस के राष्ट्रपति एक तो चुनाव जीत गए और दूसरा कारण ये था कि भारत और फ्रांस के रिश्तों ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारत और फ्रांस 70 साल पूरे कर चुके हैं अपने रिश्तों के और 24 साल रणनीतिक साझेदारी भी दोनों देशों के अंदर पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि इमैनुअल मैक्रोन को बधाई देने और भारत और फ्रांस के रिश्ते गहरे करने और इतने 70 सालों के रिश्ते के इतिहास को मारक करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने आखिरी समय के अंदर फ्रांस का दौरा चुना था। भारत और फ्रांस के रिश्ते 1998 के अंदर रणनीतिक साझेदारी के अंदर बदले और ये साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। राफेल फाइटर जेट से लेकर हैमर मिसाइलें, सबमरीन या फिर कोई और बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो, सभी मामले में भारत और फ्रांस एक नए आयाम को छू रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात एलसी पैलेस के अंदर शुरू होती है और भारत के प्रधानमंत्री ने एक नए मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान फोकस करने के लिए बात आगे रखी। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग आज सारी दुनिया बोल रही है, लेकिन इसके परिणाम गरीब देशों पर पड़ना शुरू हो गए हैं और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो भी हल है रूस यूक्रेन की लड़ाई का, ये शांति से निकलेगा और शांति अगर नहीं होती है तो दुनिया के गरीब देशों का जो हाल हो गया है आपके सामने है, हम आपको क्या बताएं। ये सारी बातें हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत के प्रधानमंत्री की इस बात का समर्थन किया और इसी के साथ भारत का साथ देने के लिए उन्होंने UNSC और NSG की मांग को भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि UNSC के अंदर भारत की परमानेंट सीट का फ्रांस समर्थन करता है और 5 मेंबर वीटो पावर की गिनती जल्द ही 6 हो जाएगी।
हालांकि हर बार चीन डाल देता है, लेकिन फ्रांस का समर्थन आज भी भारत के साथ है, ना सिर्फ यूएनएससी के अंदर बल्कि एनएसजी के अंदर। एनएसजी के अंदर फिलहाल 48 देश हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड करते हैं और भारत इसमें एंट्री करना चाहता है, लेकिन हर बार चीन इसके बीच में अड़ंगा डाल देता है। जरूर भारत और फ्रांस मिलकर चीन का भी हल निकालेंगे, लेकिन ये डील, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय दौरे का अंदर फ्रांस के अंदर की है। आपका क्या कहना है, दो पुराने दोस्त जब आपस में मिल रहे थे और जो दोस्तों के बीच दोस्ती और गहरी हो रही थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यार पहले तो कमाल का यार वेलकम हुआ मोदी जी का, मतलब गार्डन ऑफ ऑनर मतलब एयरपोर्ट पे उनको मिला, फिर वो सीधा वहां से गए और लोगों से अपने मिले जो उनके मतलब होटल के बाहर थे, मतलब उधर मतलब थोड़ा मोदी जी ने ज्यादा उनको मतलब ऐसा वेलकम किया है, फिर उसके बाद उनसे मिले, फिर जिस तरह से मैं बताता हूँ सारा भाई, गाड़ी रुकी मैक्रोन सामने खड़ा होता हुआ। वो मतलब वो रुका हुआ था, मतलब मोदी जी उतरे गाड़ी मिले और बाकी उसे हैंडशेक था ना मोदी जी ने, मतलब चांसलर से भी और डेनमार्क की पीएम से भी, तो मतलब वो तो लेडी थी उधर हैंडशेक ही होता है, लेकिन इधर फोन यारों की तरह मैक्रोन ने भी हाथ ऐसे के मतलब पिक्चर बनाई यहाँ यार, फिर हाथ रखा इधर, मतलब यार ये दोस्ती बताती है कि इन दोनों के बीच कितनी गहरी वाकई में। और जिस तरह उन्होंने कहा यूएनएससी में और एनएसजी में जो है ना उनके लिए वो सहमत करेंगे, वो मतलब फिर से मतलब ऐलान फ्रांस ने किया कि हम सपोर्ट करने के लिए 100% रेडी हैं, बस चीन का डंगा बीच में लग जाता है हमेशा, चीन का कभी कभी और कभी कभी अमेरिका का भी, हाँ अमेरिका भी कभी कभी कुछ कर देता है, लेकिन ज्यादातर चीन ज्यादा चीन करता है। तो अब देखो यार मतलब ये भी फ्रांस यार मतलब इनको चाहिए कि चाइना को मतलब अपनी हरकतों से बाहर आना चाहिए और मतलब इस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया फुल डिजर्व करता है, वाकई डिजर्व करता है। और इस तरह जिस तरीके से ये चल रहा है, कुछ टाइम गुजरने दो, चाइना भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा। कुछ सही रिलेशन देखो जिस तरीके साथ उनके साथ वाक्य हुआ गलवान का, उसके अलावा जो पीछे युद्ध वगैरह उनका हुआ आपस में इंडिया चाइना का, लेकिन एक दिन मैं मुझे पता है एक दिन ऐसा आने वाला है, मान जाएगा, दोस्ती पक्की और ये हो जाएगा। तो अब देखो यार बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा था जो मतलब इंडिया का पूरा हो गया यार, और यार मतलब बहुत सी इसमें डील्स हुई, बहुत कुछ हुआ यार, तीन इम्पोर्टेंट कंट्रीज कुछ हुआ है वाकई, तीन देशों में गए और बीच में चार देशों से और लोग उनके पीएम से भी, पूरी दुनिया में ये मतलब ये दौरा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वेलकम बड़ा दौरा किया, बहुत बड़ा मतलब बहुत क्या कहते हैं महत्वपूर्ण दौरा था, मतलब हिंदी में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। सो गाइस आप सारे को ये कैसा लगा और वेलकम फ्रांस का कैसा लगा, ग्रैंड वेलकम जो हुआ फ्रांस में, आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने राय दीजिएगा। सो गाइस इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।